सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो अभी, तो आज है हमारे पास ए स्टार, और ए स्टार का रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। तो जैसा कि मेरी यूट्यूब फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो कि गाड़ी सेकेंड हैंड बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैं आज कंपेरिजन करने के लिए लेके आया हूँ अपनी ए स्टार। स्पेशली वीडियो उनके लिए कि जो 1 से 1.5 लाख के बीच के बजट की गाड़ी है, तो उनको कौन सी गाड़ी लेना बेस्ट है। Never ending dark. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. जल्दी से चलते हैं हम अंदर गाड़ी के और दिखाते हैं आपको कि गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको 2 कप होल्डर, मैंने अपना फ़ोन वगैरह रखा हुआ, और काफ़ी ज़्यादा सामान जो यहाँ पे मैसिव तरीके से पड़ा हुआ है, और एक पॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे भी अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। और आपको मिलता है यहाँ पे कंपनी फिटेड इन बिल्ड म्यूजिक सिस्टम, और इस साइड मिलता है आपको गाड़ी का जो हेडलाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टर दिया गया है, और आपको मिलता है यहाँ पे फोक लाइट के लिए स्विचेज हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा लगवाए हैं, तो यहाँ पे कुछ और भी स्विचेज हैं जो आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हो। तो यहाँ से आ जाते हैं आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, जो कि आपके बहुत अच्छे प्लेस हैं। यहाँ पे अपना हाथ अपना ऐसे रख सकते हो एंड देन अपना स्विचेज ऐसे कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर आता है लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ से जो मिरर होते हैं उनको हम क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम बच्चे बैठते हैं गाड़ी में तो गाड़ी के शीशे अप डाउन करते रहते हैं, तो आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो अपना मिरर को। और यहाँ से लॉक और ये अनलॉक, और यहाँ पे आता है आपको हेजार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ से आप अपनी अंदर और बाहर की हवा का जो है कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर की हवा। और इसकी की कुछ इस टाइप की आती है, जो इससे अपर वेरिएंट है ZXi, उसमें जो की है वो स्विफ्ट की तरह आती है, जो आजकल स्विफ्ट है उसका यहीं पे स्विचेस हैं। तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो कुछ इस टाइप का है, ये बहुत अच्छी लुक देता है। और जिस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम चली थी 40,000, और आज की डेट में ये गाड़ी चल पड़ी है 59,000 किलोमीटर। इसमें जो है एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने अपनी तरफ से ये आर्म रेस्ट करवाया हुआ है। अगर मैं आर्म रेस्ट को ऐसे ओपन कर देता हूँ, आर्म रेस्ट ओपन होने के बाद आपकी जो है गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, आप देख सकते हो कि आफ्टर मार्केट मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 700 रुपीज़। फिट करना बहुत ईजी है, इसको फिट करने के लिए जो है मैं ईजीली और ये हो चुका है मेरा आर्म रेस्ट फिट यहाँ पे। और जब भी अगर मैंने हैंड ब्रेक लगानी है तो थोड़ा सा इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट ऐसे और ऐसे। जब आपका आर्म रेस्ट लग जाता है तो आपको थोड़ा सा कंफर्टनेस मिलती है, और आप आराम से गियर डाल के अपने बाजू को जो है रेस्ट दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से आर्म रेस्ट बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ी में। तो आगे चलते हैं हम, और इसी के साथ आते हैं इसमें पावरफुल स्पीकर। तो चारों विंडो में आपके जो है पावर स्पीकर हैं जो बहुत अच्छा साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और पीछे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है गाड़ी में, स्पेस की कमी मैं कहूँगा, इसमें थोड़ी सी स्पेस की कमी है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पे आपको मिलता है लॉक अनलॉक का सिस्टम, बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। इस विंडो में भी आपको सेम वही स्टोरी है, पावर विंडो यहाँ पे है, एक बॉटल होल्डर विद स्पीकर, और आपको दिया जाता है यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए हैंडल। पीछे वाले पर्सन है उनको बैठने के लिए आपको दिया जाता है नेक रेस्ट, जो कि मेरे हिसाब से कोई काम आता ही नहीं है, बट फिर भी हमारे पास है तो कभी ना कभी यूज़ हो ही जाता है। कुछ इस टाइप से आपको खिड़की से व्यू दिखने वाला है जब आप ए स्टार लोगे तो। तो मेरी गाड़ी जो है VXi मॉडल है, VXi मॉडल में मिलता है आपको 170 mm का बूट स्पेस, जो कि फेयर इनफ है अपना बूफर वगैरह रखने के लिए, या तो आपके पास लगेज अगर ज़्यादा है तो आपका ये बूट स्पेस काम नहीं आने वाला। तो ये वाले अलवाए मुझे लगे लगाए मिले थे, यानी कि जो कंपनी फिटेड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट अलवाए हैं जो भैया ने पहले लगा के दिए हैं। और ये वाली जो पैनल है, ये पूरा का पूरा कौन पैनल जो है ये भी भैया ने लगा के दिया हुआ है। मैंने करवाया है सिर्फ इस पर, मैंने एक तो सीट कवर डलवाए हुए थे, और सीट कवर मैंने अपनी चॉइस के डलवा दिए। इसमें सीट कवर जो है कपड़े के आते थे, मैंने लेदर के डलवाए हैं, तो ये हैं इसके सीट कवर। बस अब फ्लोर मैट डलवाने के लिए वो डलवाएंगे। तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को तैयार करवा के रखते हो।
तो ये इसके डोर्स हैं गाड़ी के, जो कि अच्छी लुक देते हैं, कॉम्पैक्ट हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं इंजन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जो हमारा इंजन है वो किस टाइप का दिखता है और आपको दिखने वाला है जब आप अपनी ए स्टार लेते हो। ओ भाई, थोड़ा सा जो है हमारा इंजन इस टाइम गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई इसको मैंने काफ़ी टाइम से धोया नहीं है। और ये है इसका इंजन, जो कि भाई पावरफुल इंजन है। अगर आपने मेरी स्पीति वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप मेरी स्पीति वाली सीरीज़ देख सकते हो। भाई गाड़ी स्पीति तक जाके आ चुकी है, इसकी सिंपल सर्विस करवा रहा हूँ और गाड़ी को चला रहा हूँ। और मेन वाइल मैंने इसका चेंज कराया था सस्पेंशन। जैसा कि आपको पता है गाड़ी है मेरी 13 साल पुरानी, 2009 मॉडल है। तो गाइस 13 साल जब गाड़ी को हो जाते हैं ना, तो वो तो नेचुरली है कि गाड़ी का जो है सस्पेंशन का वर्क होना ही होता है। जैसे कि मैंने अभी तक इसकी 2 सर्विसेज करवा चुका हूँ। एक तो मैंने पहले जब गाड़ी ली थी उस टाइम मैंने सर्विस करवाई थी इसकी, और दूसरी बार जब मैंने सर्विस करवाई थी इसकी जब मैं स्पीति गया था, स्पीति से आया था उस टाइम पे। और अभी तक गाड़ी भाई रफ एंड टफ चल रही है, गाड़ी में कोई साउंड नहीं है। तो गाइस ये है वो टायर जो मैंने स्पीति जाते टाइम लगवाया था, क्योंकि मेरा ये फट गया था जब मैं दिल्ली गया था। टायर जो है ना, मुझे आई थिंक 600 रुपये का पड़ा था, ये 600 रुपीज़ का टायर है। और ये टायर भाई गाजा जाके आ चुका है, अच्छी खासी बर्फ के अंदर इसने स्ट्रगल किया है। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप मेरे लास्ट व्लॉग चेक कर सकते हो। ये था मेरा बाहर से गाड़ी का रिव्यू, और जितनी इसकी तारीफ की जाए ना भाई उतनी कम है। इसकी तारीफ तो बनती है भाई, ये मेरे ड्रीम प्लेसेस तक आज तक मुझे पहुँचाती आई है और आगे भी पहुँचाती रहेगी। अभी आ चुके हम अपनी गाड़ी के अंदर और लेके चलते हैं आपको एक टेस्ट राइड में और दिखाते हैं आपको गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है। तो गाड़ी का जो मीटर है वो कुछ इस टाइप से है। ZXI में आपको RPM का जो है यहाँ पे मीटर मिल जाता है देखने के लिए। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसा मिलता है, ZXI में भी ऐसा ही है और VXI में भी सेम देखने को मिलता है। और जो इससे लोअर वेरियंट है वो आपको मिलता है बिल्कुल खाली पॉकेट मिलती है, और यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा से। तो गाड़ी का आप साउंड सुन सकते हो। मैंने 1,50,000 की ये गाड़ी ली थी, इतनी ज़्यादा स्मूथ है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1,50,000 रुपए लगा रहा हूँ और मुझे गाड़ी ऐसी मिलेगी, बट गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है भाई बहुत ज़्यादा गजब है। अभी तक गाड़ी को जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने ट्रिप में इस्तेमाल किया है और आगे भी होती रहेगी। मेरे बीच में प्लान बना था कि मैं गाड़ी को सेल आउट कर देता हूँ, बट जिस हिसाब से गाड़ी ने मेरा साथ दिया है अब मैं इसको सेल आउट नहीं करूँगा। ये वाले जो बाइक कंट्रोल्स है ना, ये आपको ऑल्टो में देखने को नहीं मिलते हैं अगर आप ऑल्टो के साथ अपनी गाड़ी कंपेयर कर रहे हो। मैं अपना एक्सपीरियंस एक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस टाइम मैं गाड़ी देखने के लिए गया था सेकंड हैंड, तो मैं लेने वाला था ऑल्टो। तो एक डीलर के पास मुझे एक ऑल्टो पसंद भी आई हुई थी, ऑल्टो 800, जो कि थी 2009 मॉडल, सेम मॉडल थी। और वो मुझे उस गाड़ी को दे रहा था 180 बोल रहा था, बाद में बोलता कि हम ये गाड़ी आपको जो है 1,50,000 की दे देंगे। वो गाड़ी को ना लेने का मेरा ये रीज़न था कि वो गाड़ी चली हुई थी आपकी 80,000 किलोमीटर और HR नंबर थी। और दूसरा, गाड़ी में उसने सिर्फ कॉस्मेटिक्स चेंज किए थे, जैसे कि अलॉय व्हील्स वगैरह डाल के दिए थे। फिर मैंने ये गाड़ी देखी A-Star, एक पर्सन के पास खड़ी हुई थी, तो उनसे मैंने ये बाय किया। गाड़ी को मैंने पहली लुक में पसंद कर लिया था भाई, गाड़ी इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी उस टाइम पे, और इस टाइम पे भी नीट एंड क्लीन ही है। मैंने गाड़ी को पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। प्लस आपको मिलता है 1000cc का इंजन, जो कि बहुत ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इसकी जो एवरेज है हाईवे में आपको 16 से 17 की एवरेज देती है, और अगर आप लोकल चल रहे हो तो इसकी एवरेज है 15, अप्रॉक्स 15 की एवरेज इसकी आपकी लोकल में रहती है। तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आती है। और तो गाइस आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कोई सवाल और जवाब है तो आप हमसे सवाल और जवाब कर सकते हो। ये तो था मेरा A-Star के साथ रिव्यू। अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी बाय करने का सोच रहे हो और आपकी नज़र में कोई A-Star है तो आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हो, क्योंकि भाई इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। पर शर्त यह है कि गाड़ी की कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर गाड़ी में कोई वर्क है या कोई एक्सीडेंटल है तो वो आप सोच समझ के गाड़ी लेने का प्लान करें, और एक बार अपने साथ मैकेनिक को लेकर के जरूर जाएं। गाड़ी को लेने से पहले ये सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।